हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एक इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के बीच शेयर करनी थी जेटेट एग्जाम 2022 को लेकर। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, इफ़ यू आर द न्यू इन द चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, सो अपडेट की ओर बात करते हैं कि क्या अपडेट आप लोगों के लिए शेयर करनी थी। सबसे पहले जेटेट एग्जाम 2022 की बात करें तो इससे पहले राज्य में बीते 5 वर्षों से कोई भी टेट परीक्षा का आयोजन नहीं हो पाया है और एजुकेशन मिनिस्टर का स्टेटमेंट आता है कि हम राज्य में शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं उनका यह डिमांड है कि राज्य में शिक्षक बहाली से पूर्व जेटेट परीक्षा का आयोजन हो, ताकि जो आगामी बहाली प्रक्रिया शुरू होगी इस पर सभी अभ्यर्थी शामिल हो पाएँ। ठीक है, तो इससे अपडेट निकल के आ रही है, जो भी जेटेट परीक्षार्थी हैं उनके लिए यह महत्वपूर्ण अपडेट है। ठीक है, तो क्या अपडेट है आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। देखिए, ट्विटर कैंपेनिंग से यह अपडेट निकल के आ रही है कि झारखंड में टेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए एक ट्विटर कैंपेनिंग रखा गया है, जो कि आप डेट देख पा रहे होंगे 13 मार्च 2022 का दिया गया है, यानी कि संडे के दिन आपको कल ही यह ट्विटर कैंपेनिंग में भाग लेना है। जो भी जेटेट के परीक्षार्थी हैं उनको ज़रूर से ज़रूर या ट्विटर कैंपेनिंग में भाग लेना चाहिए, ताकि आपका जो हैशटैग है आप देख सकते हैं, कंडक्ट _ जेटेट _ एग्जाम, ये हैशटैग को यूज करते हुए आपको अधिक से अधिक ट्वीट और रीट्वीट करने हैं, ताकि आपका जो हैशटैग है वो ट्रेंडिंग में जाए और इसका जो भी डिमांड है वो सरकार तक पहुँचे, और साथ ही आपके जो भी जेटेट के परीक्षार्थी हैं उन तक ये अवेयरनेस फैले कि राज्य में जो हमारे साथी हैं वह जेटेट एग्जाम की मांग कर रहे हैं, और वह भी सुनिश्चित करेंगे कि हम भी इस पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। ठीक है, तो ऐसे में जो भी जेटेट परीक्षार्थी अभ्यर्थी हैं उनके लिए यह इम्पोर्टेंट अपडेट निकल के आ रही थी कि आपको 13 मार्च को तैयार रहना है। समय आपका 10 बजे से 12 बजे का दिया गया है, देख लीजिए, सुबह 10 बजे आपको तैयार हो जाना है, से 12 बजे तक आपको ट्वीट रिट्वीट करना है। ठीक है, मुख्य मांग है कि शिक्षक बहाली से पूर्व जेटेट परीक्षा का आयोजन किया जाए। यही मांग है कि राज्य में पहले एक परीक्षा कंडक्ट कराया जाए, इसके बाद ही शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू की जाए, ताकि आगामी शिक्षक बहाली प्रक्रिया में सभी अभ्यर्थी शामिल हो सके। ठीक है, तो ये आप ज़रूर से ज़रूर करेंगे, और आप हैशटैग का यूज सही से करेंगे, क्योंकि हैशटैग आप गलती नहीं करेंगे, अदरवाइज फिर आपका जो ट्वीट है वो काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देख लें, ये आपका हैशटैग है, हैशटैग कंडक्टर _ JTET_exam। ओके, तो इस पर आप गलती नहीं कीजिएगा, जो भी स्पेलिंग दिया गया है स्मॉल लेटर में, तो स्मॉल लेटर ही आपको यूज करना है, अदरवाइज फिर वो काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। एग्जैक्टली 10 बजे से आपको ट्विटर कैंपेनिंग में भाग लेना है। ठीक है, ये 2 घंटा का समय आप निकाल सकते हैं, ऑनलाइन आप घर बैठे ही इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को कहीं से कोई इशू नहीं आनी चाहिए, ट्विटर से भी कोई परेशानियां आती हैं तो आप कमेंट जरूर करेंगे, आपका यथासंभव जो भी प्रश्न होगा उसका उत्तर दिया जाएगा। साथ ही आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर किया जा रहा है, जो कि प्रशिक्षित शिक्षक संघ झारखंड का टेलीग्राम चैनल का है, वहाँ से आपको टूलकिट प्रोवाइड किया जाएगा, आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं अगर आप ट्वीट लिखना नहीं जानते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ से आप टूलकिट को कॉपी कीजिएगा और पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ये अपडेट आप लोगों के लिए थी, जो भी जेटेट परीक्षार्थी हैं, क्योंकि लंबे समय से झारखंड में टेट परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ है, और ऐसे में अभ्यर्थी अगर चुपचाप बैठे रहें तो आई थिंक कि झारखंड में टेट परीक्षा का आयोजन फिर संभव नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में आप लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहें, अभी ट्विटर कैंपेनिंग साथ में और भी आगे कार्यक्रम हेतु रणनीति तैयार की जाएगी, तो उस पर भी आप लोग भाग लेंगे। ओके, तो ये अपडेट आप लोगों के लिए बहुत ही मस्त था, तो ये अपडेट आप लोगों के बीच शेयर कर दिया हूँ, और अधिक से अधिक आप सभी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी जेटेट के अभ्यर्थी होंगे वो भी इस ट्विटर कैंपेनिंग में भाग ले सकेंगे, वो भी अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे इस ट्विटर कैंपेनिंग। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज मच पॉसिबल। ओके,